नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गृहलक्ष्मी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीरियड्स में क्या रख सकते हैं करवा चौथ का व्रत। जानिए कैसे करें पूजा। हिंदू धर्म में करवा चौथ को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ 1 नवम्बर को शाम 5:45 से 7:02 तक है। ऐसे में अगर आपको करवा चौथ के दिन पीरियड्स यानी मासिक धर्म शुरू हो जाए तो क्या करवा चौथ की पूजा और व्रत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखें या ना रखें, इसे लेकर महिलाएं काफी परेशान रहती हैं। हालांकि आपको व्रत शुरू करने के बाद पीरियड्स आते हैं तो करवा चौथ व्रत ना तोड़े, बल्कि रात में चांद देखकर सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही पीरियड हो रखे हैं तो भी आप करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान ध्यान रखें कि आपको खुद ये पूजा नहीं करनी है। पीरियड्स में करवा चौथ पूजा कैसे करें? अगर करवा चौथ के दौरान आपको पीरियड्स हो जाए तो खुद करवा चौथ पूजा में शामिल ना हो, बल्कि अपनी जगह किसी अन्य महिला से अपने स्थान पर करवा की पूजा कर ले, लेकिन आप पूजा के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर पूजा में शामिल हो सकती है। आने वाली हूँ करवा चौथ पर भूत से भी ना करें ये काम। कई महिलाओं को व्रत की विधि तो पता होती है कि क्या करना है, लेकिन कई को यह पता नहीं होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इस मौके पर जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से काम हैं जो करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का पर्व चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले इसलिए उठना होता है क्योंकि देश के कई हिस्सों में सर्गी की प्रथा का पालन किया जाता है। महिलाएं सर्गी में मिला हुआ भोजन खाती है, ढेर सारा पानी पीती है। इसके बाद भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती है। कई महिलाओं को पता नहीं होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। कुछ काम हैं जो करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन नीले, भूरे और काले रंग शुभता का प्रतीक माना जाता है। संभव हो तो इस दिन लाल या चटक रंग के कपड़े पहनने से शुभ फल देता है। करवा चौथ के दिन सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का उपयोग ना करें। पूजा पाठ के दिन किसी की भी बुराई या चुगली ना करें। करवा चौथ के दिन यानी व्रत के दिन किसी भी सोए हुए आदमी को नींद से नहीं उठाना चाहिए, अर्थात उसकी नींद में बाधा ना डालें और आराम करने दें। आधुनिकता के दौर में कई महिलाएं अपना टाइम पास करने के लिए जुआ भी खेलती है, जो गलत है। व्रत के वक्त इस तरह के काम करना शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।